You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. हे गाइस, मेरा नाम है शांत और आप देख रहे हैं डेविल गेमर यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग खेलने जा रहे हैं इजी गेम। तो अब देखना ये है कि ये गेम कितना इजी होता है या फिर कितना हार्ड होता है। सबसे पहला है विच इज द लाइटर, मतलब कौन सा हल्का है। तो अभी इसमें सेब तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे बलून्स भी हैं। तो जी हाँ, बलून्स इज द राइट आंसर। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे। अब इसमें देखना है कि क्या होता है। तो चलो, इसमें पूछा है विच ऑफ द प्लैनेट इज लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें मार्स है, अर्थ है, सैटर्न है और जुपिटर है। तो जहाँ तक जुपिटर ही सबसे बड़ा होता है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे। और इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा पागल कौन है। तो इसमें दो पिक्चर्स हैं जिसमें एक लड़की नहा रही है अपने बालों को पन्नी से कवर करके, और एक अपने बालों को सुखा रही है वो भी नहाते हुए। तो सिंपल सी बात है, यही पागल हुई ना, कौन सुखाता है भाई। मुझे तो लॉजिक ही नहीं समझ आया इसका। चलो चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसमें हमें पजल को बनाना है और ये एक लिप्स लग रहा है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं बनाने का। अब ये तो मुझे पता है, ये नीचे वाले में, लेकिन ये पता नहीं कि फिट ही नहीं हो रहा। तो चलो, ये फिट हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला ढूंढते हैं। तो इस पे तो यही लगने वाला था, इसलिए मैंने ये चूज़ कर लिया। तो जैसे जैसे बनता है वैसे बनाते हैं और चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेवल पे। उससे पहले, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, ताकि ऐसे मज़ेदार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आ चुके हैं हम लोग लेवल नंबर 5 पे। इसमें लिखा है कि फ्लावर को ग्रो करना है। यहाँ पे कुछ बादल हैं। अब ये कैसे, अरे ये तो हिल रहा है बादल। तो देखते हैं, और भी हिल रहे हैं। ओ हो, पीछे सन था और ये फ्लावर रुक चुका है। अजीब क्वेश्चन है। अब इसमें हमें एक डॉग को फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे डॉग होगा। मैं तो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, डॉग फाइंड आउट करते हैं। मैं देखते हैं कहाँ पे मिलता है, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं इधर उधर दबा कर। कौन सा डॉग है, ये तो नहीं है। दूसरा कोई कहाँ भाई, दिखता ही नहीं है, अजीब ही है। तो ये था वो, अजीब ही है। अब देखो, इसमें हमें इन दो बिल्लियों के पापा को ढूंढना है, कौन इनमें से इनका पापा है। तो इन दोनों बच्चों को देखो, एक पूरा ग्रे कलर में है, एक पूरा ब्लैक में है। तो शायद से ये मिक्स वाला हो सकता है, जो ग्रे और ब्लैक मिक्स है। तो जी हाँ, यही था द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें कॉफ़ी बनाने के तरीके को एकदम सही लेवल पे करना है। सबसे पहले कॉफ़ी लेनी है, फिर सेकंड पे हमें सबको मिक्स करना होता है, फिर थर्ड पे हमें उसे गर्म करना था और कॉफ़ी तैयार तो हो गया। और अब लेवल में पूछा है कि कितने एप्पल्स हैं। तो साफ साफ दिख रहा है 3 है। चलो डाल के देखते हैं, कैसे भाई, कैसे हो सकता है, 3 ही तो हैं। पे कुछ होगा क्या टैप वैप करने से। ओ भाई साहब, पीछे भी एक, 2 और 3 और हैं, तो मतलब टोटल 6। चलो तो इसे कर, अब तो ये भी गलत। तो भाई है क्या, ओ भाई एक और, कितना छोटा है पहले। तो टोटल 7 हैं। चलो कम से कम ये तो राइट था। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ा कौन है। तो भाई सबसे बड़ा तो ये नीचे वाला ही है, क्यों कोई नहीं बड़ा है, इसके पीछे भी कोई है क्या। इसको कैसे हिला के देखते हैं। हाँ हाँ तो राइट, लेकिन इसके पीछे तो कोई नहीं है। अभी इन दोनों को भी हटा के देखते हैं। अभी ये पीछे उससे बड़ा हो गया, इनको मिलाना है। चलो तो मिला के इनको बड़ा कर देते हैं। और ये मिला करके इतना बड़ा हो गया, तो यही सबसे बड़ा
अजीब ही क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग अपने नए स्टेज पे आ चुके हैं, तो अब इसमें पूछ रहा है कि हु इज द वैम्पायर, मतलब वैम्पायर कौन है। एक ने कहा है कि मेरी उंगली कट गई, एक ने कहा है कि वो वाइन है, और एक ने कहा है कि वो पेंटिंग कर रही थी। तो मुझे तो लगता है कि पेंटिंग वाली झूठ बोल रही है। तो चलो अब उस पर दबा के देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जी हाँ, वो पेंटिंग वाली झूठ बोल रही थी। अब वो तो मुझे नहीं पता, वो तो तुक्का था। और अब इस पजल में हमें एक फॉक्स बनाना है, तो चलो जल्दी से बनाते हैं। और ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा, वैसे हो भी सकता है, वैसे पजल्स तो मुश्किल होते नहीं। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं, इस फॉक्स को रेडी कर लेते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है, तो ट्राई करते हैं इसे बनाने का जल्द से जल्द। भाई ये कहाँ, ओ यहाँ पे लगना था ये, मैं कहीं और ही लगा रहा हूँ। तो बस अब एक कॉर्ड जोड़ना है और ये पूरी फॉक्स तैयार हो जाएगी, और ये हो चुकी है। आसान ही था। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे। अब इसमें कह रहा है एक कैट को फाइंड आउट करो, तो इसमें सारी तो आउल हैं अलग अलग कलर्स की, अब देखते हैं कौन कैट होगा। मुझे तो इसमें कोई भी नहीं मिल रही है, एक दो पे टाइप कर लेते हैं। ओ भाई ये बीचों बीच रखते हैं ये लोग। अब इसमें कह रहा है क्रॉस द रिवर, अब मुझे तो लगता है जा कि ये इससे तो नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। भाई ऐसा क्यों, इससे क्यों नहीं, और हथौड़ा किस लिए रख रखा है। ये नदी हिल क्यों रही है, ओ भाई साहब आगे ब्रिज है। कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, जो आगे ब्रिज है तो वो अपने आप जा सकता है ना, इसकी क्या जरूरत है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सबसे ज्यादा तेज है, तो मुझे तो ये आखिरी वाला लग रहा है, पर दबा के देख लेते हैं शायद से। ओ भाई वो तो खुद ही गिर गया, नहीं तो इसमें से उसके आगे वाला लगता है मुझे। तो जी हाँ वो बच जाएगा। तो ये था राइट आंसर, और चलते हैं आगे। तो अब ये तो क्या ही बताएं, क्या क्वेश्चंस दे देते हैं, तो मुझे तो मतलब अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसे ही। तो अब ये थोड़ा काम का क्वेश्चन आया, ये लोगों को अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लिखा है प्लेस द पिक्चर इन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलो आप भी देखो और ये घर पे ज़रूर ट्राई करना, और बाहर जाया करो तो मास्क लगा करके जाया करो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, नोटिफिकेशन को ऑल भी कर दो, ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और ये इसमें पूछा है कि कौन सा कार्ड है। अब ये तो थोड़ा सा स्लाइड करने पर पता चल गया, और शायद इसमें भी स्लाइड वाला ही होना चाहिए। चलो थोड़ा सा स्लाइड करके देखते हैं। तो जी हाँ इसमें अब आप काउंट ही कर सकते हैं किसने कितने फेसेस हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें लिखा है कि थ्री डोर्स हैं, एक के पीछे एक मर्डरर है जो आपको मार सकता है, एक के पीछे एक लॉयर है जो सालों से भूखा है, और एक के पीछे सिर्फ वायर्स ही वायर्स हैं जिसमें बिजली दौड़ रही है जो कि आपको मार सकती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये लॉयर वाला ही होगा, क्योंकि ये तो हमने बहुत पहले सुना था, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया। लेकिन आंसर लॉयर वाला ही होगा, क्योंकि वो सालों से भूखा है, यानी वो मर चुका है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब इसमें पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब इसमें सारे दाढ़ी वाले, हमें किसी ऐसे को ढूंढना है जो दाढ़ी वाला नहीं है। तो चलो यार मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी ढूंढो कि इसमें कौन दाढ़ी वाला नहीं है। तो वैसे ये इन लोगों ने बीच में कैंची जोड़ के और ही अलग सिस्टम कर दिया है। चलो तो ढूंढते हैं, और ये रहा नीचे येलो कलर का। तो चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, और इसमें भी एक पजल को बनाना है। तो
ये तो तरबूज है, ये तो गर्मियों के सीज़न के लिए। तो हाँ, वैसे गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो चलो इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। और ये यहाँ पर ही नहीं लग रहा है, कहाँ लगेगा फिर? ओ, ये तो यहाँ लग गया। अच्छा, वो सबसे साइड में लगना है, साइड में लगाते हैं, वहाँ पे तो नहीं लगेगा। चलो इसको, और ये बन गया। वाह भाई, और ये भी हो चुका है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। और इस पे लिखा है, फर्स्ट में तो है लेट्स प्ले, मतलब वो उसकी जो एक्सप्रेशन है उसको हमें दिखाना है इसमें। फर्स्ट में लेट्स प्ले, तो हमें दिखाना है लेट्स प्ले वाला कौन सा एक्सप्रेशन है। तो इसमें तो फर्स्ट वाला, तो मैंने ये तो फर्स्ट वाला नहीं सही है, लेकिन थर्ड वाला सही हो गया और सब करके सही हो गया। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसमें लिखा है, व्हाट विल यू टेक विद यू टू सर्वाइव द ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स। तो इसमें मतलब क्या बैग इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं मेडिसिन तो सबसे ज़्यादा चाहिए, और ये तो खाना पानी भी वो सब कुछ ही चाहिए भाई, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो बैग भी तो चाहिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसमें पूछ रहा है कि किसमें कॉइन है, चलो देखते हैं कि किसमें कॉइन है। इसमें तो नहीं है, गलत हो गया, सेकेंड में होगा, इसमें भी नहीं है। तो भाई क्या, एक बार मैंने ऐसे देखा था, हाँ तो दोनों पे टाइप करने से एक पे, मतलब क्या ही कुछ भी बता देते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये एक पजल है जिसमें हमें पेंगुइन बनाना है, तो ये तीसरा पजल है शायद। तो इसमें सबसे ज़्यादा सिर्फ पजल ही इन लोगों ने भर रखा है, इसमें तो बहुत बड़े बड़े पीसेस दिए हुए हैं। अब तो इसमें खाली एक मिनट, अच्छा ये वाला इस तरफ लगेगा, हाँ तो इसमें बहुत बड़े बड़े पीसेस थे, बस ये एक पैर जोड़ना था और ये हो गया, मतलब सिर्फ पैर नहीं जोड़ना था। और चलते हैं अब नेक्स्ट पे। तो अब इसमें बोला है कि पिक्चर को करेक्ट ऑर्डर में रखो, तो शायद इसमें ये ऑमलेट बना रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले अंडा, सॉरी एग, एग बोलना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सामान चाहिए, फिर उसको उसको बनाना पड़ेगा अच्छे से। अबे ये हट क्यों नहीं रहा, कुछ भी कर रहा है। अब इसमें देखियो, चार तो सही हो गए, अब ये दोनों को बस ऊपर करना था और ये पूरा हो चुका है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब इसमें बोल रहा है, फाइंड एन एलियन। भाई इतनी सारी कहाँ से ये लोग ऐसी इमेजेस ढूंढ के लाते हैं, इतने सारे इसमें रॉकेट हैं, स्पेसशिप है, प्लैनेट है, और अर्थ तो देखो दो तो मुझे दिख ही गए, और भी होंगे। अच्छा सब साइड में रखते हैं और चलो ढूंढते हैं एलियन को। इसमें एलियन कहाँ है भाई, किसी न किसी के अंदर तो बैठा, हाँ पूरा। तो चलो गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वेरी। अब इसमें पूछा हुआ है, फिक्स थ्री ऑफ द ड्राइवर्स मिस्टेक। इसमें सबसे पहले तो वो फ़ोन चला रहा है, ऊपर से उसका बैक मिरर भी टेढ़ा है, और उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, साफ साफ दिख रहा है, इसमें पूछने की क्या बात है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा रियल है और कौन सा फेक है, तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि किसकी जड़ें हैं और किसकी नहीं है। अबे इसमें तो किसी की भी नहीं थी, कुछ भी कर दे रहे हैं यार ये लोग। चलो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many options.